श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर कस्बे में तस्करी कर गोवंश को हड्डा रोड़ी में ले जाकर गोकशी करने का मामला सामने आया है। समय रहते ग्रामीणों को गुप्त सूचना मिलने के बाद जब ग्रामीणों की भीड़ केसरी सिंहपुर के हड्डा रोड़ी में पहुंची तो वहां पे ग्रामीणों ने देखा कि 3 युवक एक गाय के बछड़े को लटाकर बैठे हुए हैं और पास में ही कई मृतक गोवंश पड़े हैं, जिसके चलते ग्रामीणों की आक्रोशित भीड़ ने मौके पर तस्करी कर लाए गए गोवंश को लाने वाले वाहन को मौके पर ही जलाकर राख कर दिया और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बछड़े के पास बैठे हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर गोवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीडवाना के मोलासर कस्बे में मनरेगा मजदूर महिलाओं को 100 दिन के निश्चित रोजगार से वंचित करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिलाओं ने ग्राम पंचायत के सरपंच और कनिष्ठ सहायक पर उन्हें भेदभावपूर्ण तरीके से 100 दिन के रोजगार से वंचित करने का आरोप लगाया है। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले की जांच की मांग की है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें द्वेषतापूर्ण तरीके से 100 दिन के रोजगार से वंचित रखा गया, जिसके कारण उन्हें सरकार की स्मार्टफोन योजना का लाभ नहीं मिला, वहीं अन्य योजनाओं का भी उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। विद्युत विभाग के खिलाफ किसानों में आज भारी आक्रोश देखने को मिला। बिजली की सुचारू व्यवस्था को लेकर किसान मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर आज थर्मल के मुख्य द्वार के आगे किसानों ने धरना लगा रखा है। किसानों का कहना है कि 132 केवी जीएसएस प्रभात नगर को अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसको लेकर विद्युत की समस्या है जो किसानों को झेलनी पड़ रही है। खेतों में खड़ी फसल मुरझा रही है। पूर्व विधायक राजेंद्र भादु के नेतृत्व में थर्मल के मुख्य द्वार के आगे यह धरना जारी है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों के साथ वार्ता के लिए पहुंच गए हैं। मौके पर राजियासर सिटी और CISF का जाब्ता मौके पर तैनात है। राजस्थान के बूंदी जिले में आज कलेक्टर पर रंगरेगत समाज पहुंचा और कलेक्टर को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि हमारा जो रंगरेगत समाज है वो कई सालों से कार्य करता आ रहा है और हम अशोक गहलोत से इस चुनावी साल में आग्रह करते हैं कि हमारे रंगरेगत समाज का बोर्ड गठन किया जाए, जिससे हमें स्वावलंबन मिलेगा और हमारे जो कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी राजस्थान के लिए। इसलिए हम अशोक गहलोत का धन्यवाद करेंगे अगर उन्होंने हमारे बोर्ड का गठन किया तो। झीलों की नगरी उदयपुर में आज CPA सम्मेलन का आगाज हुआ है और आपको बता दें कि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार रात को ही उदयपुर पहुंच गए थे। वहीं इस सम्मेलन को लेकर जानकारी देते हुए राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि इस बार इस सम्मेलन में कुल 2 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि इस बार जो दोनों विषय चुने गए हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए CM अशोक गहलोत ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी की जमकर तारीफ की और वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की भी चुटकी ली। आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान की धरती को नमन किया और साथ ही यहां की गौरवशाली और वैभवशाली विरासत को भी याद किया। शहर में आज बेरोजगारों, कर्मचारियों, महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हमला बोला है। दुर्गापुरा स्थित कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने PTI भर्ती के परिणाम और फायरमैन भर्ती के परिणाम को लेकर धरना दिया। इसके साथ ही शहीद स्मारक पर टूरिस्ट गाइड और महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने धरना दिया और सरकार से मांग की कि उन्हें नियमित किया जाए, नहीं तो हम आने वाले चुनावों में सरकार का बहिष्कार करेंगे। झुंझुनू के पिपली चौक इलाके में एक महिला ने अपने पति के सर पर पेड़ से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला ने शव के पास बैठकर रोने का नाटक किया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से वो नहीं बच पाई। पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस ने खुलासा किया तब चली कि महिला का पति है वो किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर में था। ये बात पत्नी को नागवार गुजरी, जिसके बाद पत्नी ने तेज में आकर पति के सर पर बेड से वार कर हत्या कर दी। गंग नहर में पानी की बंदी को लेकर श्री गंगानगर के गंगा सिंह चौक से स्टार्ट हुआ किसानों का संघर्ष अब राजस्थान पंजाब की सीमा के ऊपर आंदोलन शुरू करने के साथ साथ अब अनूपगढ़ जिले में भी पहुंच चुका है। राजस्थान की गंगानगर जिले की गंग नहर में पानी की बंदी के चलते किसानों की फसलें लगातार खराब हो रही हैं, जिसके चलते
आज किसानों ने अनूपगढ़ जिले के अनूपगढ़ रायसन नगर के हाईवे 911 को पूर्णतः जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया। किसानों ने कहा कि हमारी गन्ने और कपास की फसल लगभग अब पकाव की हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार की धांधलीबाजी के चलते गंग नहर के अंदर बंदी लेने की वजह से हम लगातार परेशान हो रखे हैं। किसानों ने कहा कि गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में हमारा किसान संघर्ष जो है लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार गंग नहर के अंदर लगातार पानी नहीं छोड़ती। भरतपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 55 में हुए उपचुनावों में बिमला देवी को विजयी घोषित किया गया है। बिमला देवी ने अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रत्याशी को 66 मतों से पराजित किया है। उनके विजयी होने पर बाढ़ के उनके समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि बाढ़ के रुके हुए कार्यों को फिर से गति मिलेगी। हरियाणा के नूह में पिछले दिनों फैली हिंसा का असर अब राजस्थान के मेवात इलाके में देखने को मिल रहा है। रामगढ़ के छोटी बावड़ी से रिंगस जा रही खाटू श्याम की पदयात्रा पर दो युवकों की ओर से पथराव और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से मामला बिगड़ गया। यात्रा में जा रहे लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, आरोपियों को पकड़ा गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह रही कि चुनावी वर्ष में हिंसा राजस्थान से सटे मेवात इलाके में भी फैल सकती है। हालांकि पुलिस एहतियातन कठोर कदम उठा रही है। इस पूरे मसले पर भाजपा नेताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है और साथ ही धार्मिक यात्रा में जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने और यात्रा के प्रतीक चिन्हों को खंडित करने का मामला भी पुलिस थाने में दर्ज करवाया है।